तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि उस बाबा ने उन सारी चुड़ैलों को एक पेड़ में ले जाके बांध दिया था, मगर उनमें से एक चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों के ताकत के वजह से कुछ साल में ही उस बंधन से मुक्त हो गई। अब वहां के लोगों का मानना है कि उस चुड़ैल ने कनिका को अपने वश में कर लिया है, जिस वजह से वहां के लोगों ने कनिका के पूरे परिवार को उस इलाके से निकाल दिया और अब वो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। और देखते देखते कनिका बड़ी हो गई। एक बार की बात है, उसी जंगल के रास्ते से एक आदमी बाइक से शहर की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे कनिका के पिता मिले, तो वो वहाँ रुककर उनसे कहीं का पता पूछने लगा। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पता कहाँ मिलेगा? उसके पिता ने वो पता पढ़ा और उस आदमी को वहाँ का रास्ता बता दिया। अरे आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आप शहर से इतने दूर क्यों रहते हैं? मगर कनिका के पिता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। महेश भी आगे बढ़ने लगा, तभी उसने कनिका को देखा और उसकी सुंदरता देखकर वो दंग रह गया। कनिका ने भी उसे देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से भाग गई। जब महेश उस पते तक पहुँचा, तब उसने वहाँ उस परिवार के बारे में बताया और बताते ही वहाँ के सारे लोग चौंक गए। हे भगवान, तुझे कोई और नहीं मिला था पता पूछने के लिए? क्यों मामी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हम सब ने मिलकर उन्हें इस शहर से दूर भेजा है। वो भूतिया परिवार है, हमने उनकी बेटी को देखा है, वो लोगों को वश में कर लेती है, वो चुड़ैल है। आज के बाद उस तरफ जाने की सोच भी अपने दिमाग में मत लाना। महेश को इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे तो कनिका से प्यार हो गया था। वो दिन भर उसकी सोच में डूबा रहा। रात को सबके सोने के बाद उसने सोचा कि एक बार वो उसे मिल कर आए, तो बस फिर क्या था। छुपते छुपाते वो निकल पड़ा अपनी मामी के घर से और जंगल की तरफ जाने लगा। मुझे उससे बताना ही होगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है, और मैं तो इन चुड़ैल वुड़ैल को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी करके उसके माँ बाप को भी शादी के लिए मना लूंगा। बेचारों को सबसे दूर कर दिया गया है, मैं उन्हें सबके बीच वापस लेके आऊंगा। रात के अंधेरे में महेश ने अपनी बाइक निकाली और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद महेश ने अपनी बाइक रास्ते के साइड में पार्क कर दी और वो कनिका का घर जंगल में ढूंढने लगा। चांद की रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां एक औरत बैठकर कुछ कर रही थी। महेश उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गया और उस औरत को देखने लगा। उस औरत ने एक लड़के को मारकर उस पेड़ पर टांग रखा था। बस इसी तरह मेरी उम्र और सुंदरता बढ़ती जाए, कुछ सालों के बाद मैं तो इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि मुझे कोई पंडित या ऋषि मुनि मार नहीं पाएगा। फिर तो पूरे इस धरती पे मेरा ही राज चलेगा। अब इससे पहले कि इस लड़की के माँ बाप मुझे ऐसे देख ले, उससे पहले मुझे उसके रूप में आ जाना चाहिए। और देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल जमीन से थोड़ी ऊपर उड़ने लगी और उसका रूप बदलने लगा। महेश ये देखकर दंग रह गया कि उस चुड़ैल ने कनिका का रूप ले लिया। इसका मतलब कनिका जो है वो इसके चंगुल में है, मुझे इसे बचाना होगा। कुछ दिनों तक महेश उस चुड़ैल को रोज रात को उस पेड़ के सामने कुछ ना कुछ करते दिखाई देती ही थी। बस एक बार मुझे पता लग जाए कि इस चुड़ैल को किस तरह से मारना है, और फिर मैं कनिका को बचा लूंगा। बस अब मेरा ये पेड़ शक्तिशाली बनते जा रहा है, और क्यों भी ना हो, मैं इसे लोगों के खून से जो सींच रही हूँ। बस अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि इस पेड़ में आग ना लग जाए,
वरना मैं फिर से इसी पेड़ पर बंध जाऊंगी। अच्छा, मतलब इसकी जान इस पेड़ में बसती है। कल बताता हूँ मैं। महेश ने सुबह होते ही आसपास के लोगों को सब कुछ बताया और उसने ये भी कहा कि अगर उसका खात्मा ना किया तो कुछ दिनों में ही वो सब पर राज करने लगेगी। कुछ देर में ही सब उसकी मदद करने को तैयार हो गए। रात होने से कुछ वक्त पहले सब अपने अपने घरों से निकले तेल और किरोसिन की बोतलें लेके, और सबने छुपते छुपाते उस पेड़ पर अपनी अपनी बोतलें उलटने लगी और फिर सब एक एक पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही वो चुड़ैल आ गई उस पेड़ के पास, और आज भी वो किसी को अपने साथ लेके आई थी जो कि पूरी तरह से उसके वश में था। मगर जैसे ही वो उसे मारने जा रही थी, अचानक से पीछे से जलती हुई माचिस की तिल्ली महेश ने उस पेड़ पर फेंक दिया और पूरा पेड़ जल उठा। मैं जरूर वापस आऊंगी। और कनिका चुड़ैल से मुक्त हो गई और फिर कनिका और महेश की शादी करवा दी गई। देखो मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वही उसी घर में रहना है। मुझे उस घर में ज्यादा मजा आता था, ये घर अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पिंकी की हरकतें अजीब होते जा रही थी। वो किसी से संभल नहीं रही थी, सबसे रोज झगड़ती कि उसे उस भूतिया घर में वापस जाना है, जिस कारण उसके माँ बाप बहुत चिंता में रहा करते थे। न जाने हमारी बेटी को क्या हो गया है, और एक वो उसके हाथ का वो सफेद दाग, दिन भर उसी को देखती रहती है। न जाने क्या चलता रहता है उसके मन में। इतने डॉक्टर को दिखवा लिया हमने, मगर फिर भी कोई उसके हाथ को ठीक नहीं कर पा रहा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। देखो आज उसे सोने दो, कल सुबह उसे एक बाबा के पास लेके जाएंगे। मेरा एक ऑफिस का दोस्त है जिसने मुझे उनके बारे में बताया, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम चिंता मत करो, बस आज रात की बात है। पिंकी अपने कमरे से नीचे उतरी और तब तक उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। बाहर कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और उसने एक ही नजर बस उन कुत्तों को देखा और सारे वहीं ढेर हो गए। और वो अजीब तरीके से चलती हुई अपने पुराने घर में पहुंच गई और वहां सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सबने उसे अंदर ले लिया। और इस तरफ इसके माँ बाप परेशान हो गए थे पिंकी को ढूंढते ढूंढते। सुनिए सुनिए, जल्दी आइए, ये देखिए ये कैसे अजीब से सफेद सफेद पैरों के निशान हैं, और ये तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, कहीं ये पिंकी के तो नहीं। हमें अभी उस बाबा के पास जाना होगा। तुरंत दोनों निकल पड़े उस बाबा के आश्रम की ओर। शांत हो जाओ पुत्री, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ किस चिंता के कारण आई हो। धैर्य रखो पुत्री, मैं अभी पता लगाता हूँ क्या हुआ है। फिर बाबा ने कुछ मंत्र उच्चारण करके आंखें बंद की और कुछ देर बाद उन्होंने बताया, तुम्हारी बेटी उस चुड़ैल के वश में है, उसके हाथ का वो दाग उसी चुड़ैल के है, और वो जैसे जैसे सफेद होते गए तुम्हारी बेटी उसके वश में उतनी ही होती गई। पर मेरी बेटी ही क्यों? वो सारे वो अतृप्त आत्माएं हैं जो कि सालों से भटक रही है, और उन्हें एक जवान शरीर चाहिए जिसे वो एक एक करके कब्जा करे और उस शरीर में प्रवेश करे, ताकि वो सदा सदा के लिए जीते रहे। और वहाँ सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, वहाँ और भी बेटियां हैं जो कि अब तक जीवित है और उनके वश में है। इसका एक ही इलाज हो सकता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। फिर तीनों निकल गए उस घर के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा
कि एक जगह उन सारी लड़कियों को बांध रखा था उन चुड़ैलों ने, जिन्हें उन लोगों ने वश में कर रखा था। उनका मानना ये था कि अगर 5 साल बाद जो अमावस आए, उस वक्त अगर कोई चुड़ैल किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमेशा के लिए ताकतवर और सुंदर बनकर रहेगी। और आज की रात वही रात थी। और तभी बाबा ने एक और मंत्र उच्चारण करते गए जब तक सारी चुड़ैलें एक तरफ ना आ गई। देखो, हम इन लड़कियों को बहुत मेहनत से वश में लाते हैं। तुम हमसे दूर ही रहो, वरना जैसे ही इन बाकी लड़कियों के माँ बाप को हमने मारा था, हम तुम्हें भी उसी तरह खत्म कर देंगे। तुम क्या खत्म करोगी हमें? वो भगवान तुम्हें आज खत्म करेगा। तुम इन बेटियों को अपने वश से हटाते हो या मैं तुम्हें अभी खत्म करूं? मगर किसी ने बाबा की बात नहीं सुनी और बाबा ने मंत्र पढ़ा और उन पे अपने कमंडल का पानी छिड़का और तुरंत वो सब दर्द से चिल्लाने लगी। और फिर सबने एक एक कर हर लड़की को आजाद कर दिया और बाबा ने बस एक ही मंत्र से उन सबको अपने वश में कर लिया और सबको बाहर ले जाकर एक पेड़ पे बांध दिया। और ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ से उन चुड़ैलों की आवाज आज भी आती है। वशीकरण। शिखरपुर नाम के एक छोटे से शहर में हाल ही में ही एक नया परिवार रहने आया था। उनको अपना नया घर बहुत ही पसंद आया था और उन्हें आए हुए चंद ही दिन हुए थे। एक दिन, मम्मी, इस घर में ना कुछ तो बात है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। यहाँ नहीं पता क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हमेशा हम सबके साथ रह रहा है। रात को भी बड़े अजीब अजीब आवाजें आते रहती है, कभी बिल्ली रोती है तो कभी कुत्ते। अरे तो इसमें अजीब क्या है? और तुम इतनी रात के जगे क्यों रहती हो? रात को देर रात तक जगोगी तो यही होगा, उल्टी फुल्टी चीजें ही तो दिमाग में मंडराएंगी। रात को खाना खा के चुपचाप सोने चली जाना। ठीक है मम्मी। सबने रात का खाना खाया और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे पिंकी की आँख खुली। उसे प्यास लगी थी, वो अपने कमरे में पानी ले जाना भूल गई थी, तो वो किचन में जाने लगी पानी लेने। और जैसे ही वो किचन के अंदर घुसने ही वाली थी, उसे एक काली परछाई सी नजर आई जो कि उसके पीछे से पार हुई। वो झट से पीछे मुड़ी मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ी मगर उसी वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने डर से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने माँ पापा के कमरे में चली गई। मम्मी पापा जल्दी उठो, मैंने कहा था ना इस घर में कोई है, मैंने अभी किचन में किसी को देखा। दोनों हड़बड़ाकर किचन में आ गए मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर पूरे घर की लाइट्स ऑन करके उसके पापा हर कमरे में देख आए कि कहीं कोई चोर ना घुसाया हो, मगर कहीं भी कोई नहीं था। बेटा तुम्हारा वहम होगा, देखो पापा ने तो पूरा घर देख लिया, कहीं कोई नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। मेरा वहम नहीं था मम्मी, वो जो कोई भी था उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। ये देखो मेरा हाथ, उसकी उंगलियों के निशान भी है। और पिंकी के हाथ में सच में किसी के कस के पकड़ने के निशान थे। फिर उसके पापा ने सोचा कि सब लाइट ऑफ करके यही ड्राइंग रूम में बैठे ताकि जो भी हो दोबारा वापस आए और फिर उसे वो पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो बस फिर उसके पापा ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और तीनों छुपकर बैठ गए अंधेरे में। और तभी अंधेरे में उन्हें एक बच्ची सी दिखी। फिर कुछ देर बाद दो बड़े बड़े लोग नजर आए मगर किसी का भी चेहरा उन्हें नजर नहीं आ रहा था। खबरदार, अगर यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हमने पकड़ लिया है तुम्हें। उसने जल्दी से लाइट ऑन किया और जो इन लोगों ने देखा वो देख के तीनों सुन पड़ गए। वो तीनों चुड़ैले थी जो कि पूरे घर में भटक रहे थे। और अचानक एक ने कहा, ये घर हमारा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम यहाँ परसों से रह रहे हैं और पिंकी
तुम्हें तो सब पता ही है, फिर बताते क्यों नहीं अपने माँ बाप को कि ये हम सबका घर है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने पिंकी को ऐसा क्यों कहा कि उसे सब कुछ पता है। और तब पिंकी की नजर अपने हाथ पर पड़ी जहाँ उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा था। वो जगह बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। तब तक सुबह होने चली थी। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे, हमें कुछ मत करो, हम यहाँ कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। और तभी सूरज की पहली किरण से सब एक एक कर गायब होने लगे। और एक ने जाते हुए कहा, पिंकी बहुत जल्द तुम यहाँ वापस आओगी। ये कह के वो भी गायब हो गई। और तुरंत इन तीनों ने वो घर ही छोड़ दिया।